वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड वर्क्स में किसी भी मॉडल को क्रिएट करने के बाद उसका सीन किस तरह से चेंज करते हैं, उसका मिरर का डिस्टेंस, फिर उसका एनवायरनमेंट और जो इसका रियल व्यू है उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे आज। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर किसी भी मॉडल का सीन कैसे चेंज करेंगे। तो हमने एक यहाँ पे मॉडल यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये जैक की बॉडी है। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन किया है। अब इसका देखिए आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए टैब वाले यहाँ पे देखिए टैब वाला जो सेक्शन है वहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टैब में जाना है, फिर यहाँ पे रेंडर टूल एक्टिवेट करना है। रेंडर टूल टैब एक्टिवेट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे देखिए एडिट सीन को ओपन करने के बाद आपके जस्ट राइट साइड में ये देखिए अपीयरेंस सीन और डिकल इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्टली देखिए सीन, यहाँ पे कुछ बेसिक सीन्स, स्टूडियो सीन, प्रेजेंटेशन सीन, बैकग्राउंड इस तरह से सब यहाँ पे ओपन हो गए। तो हम यहाँ पे स्टूडियो वाला सीन सिलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट वाला है रिफ्लेक्टिव फ्लोर बैक इसे सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सीन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये ब्लैक वाला सीन ओपन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें ये दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन देखिए बॉटम साइड में हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट साइड में बेसिक और एडवांस दो ऑप्शन है। तो बेसिक में देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड है ग्रेडियंट में। तो ग्रेडियंट में देखिए यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे नन करेंगे तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कलर, अगर हम कलर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ब्लैक है तो ब्लैक की जगह हम यहाँ पे येलो कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो येलो कलर हो जाएगा। या इसके अलावा और कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं जैसे ग्रीन कर देते हैं तो ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कलर की जगह यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो कलर यहाँ पे हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला हम येलो ले लेते हैं और सेकंड वाला हम ब्लैक कर देते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अभी हम यहां पर ब्लैक कर देते हैं और ये ग्रे कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये ग्रेडियंट में इस तरह का कलर सेट कर दिया है। अब आप इसमें हम इमेज भी सेट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे इमेज सेट कर दें। इमेज में आप जैसे हम कोई इमेज ये वाली ले लेते हैं और ओपन कर देते हैं तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड में इस तरह की इमेज हमें दिखेगी। फिर यहाँ पर एक और है यूज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में देखिए जो इमेज थी वो फुल साइज में यहाँ पे हो गई है। तो सिंपली हम यहाँ पर ग्रेडियंट वाला ही सिलेक्ट करेंगे, इसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे एनवायरनमेंट में ब्राउज, अगर कोई और भी आपके पास है इसका सीन तो आप यहाँ से ब्राउज करके इंसर्ट कर सकते हैं। फिर फ्लोर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे देखिए फ्लोर रिफ्लेक्शन तो इसे आइसोमेट्रिक कर देते हैं। अब देखिए इसके जस्ट बैक नीचे बॉटम की साइड में आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे अनचेक करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन आपको शो नहीं होगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलाइन फ्लोर विथ ये भी देखिए बॉटम व्यू के प्लेन में यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो एक्स वाई डायरेक्शन में हम करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखेगा। फिर हम एक्स जेड करेंगे तो ये स्ट्रेट यहाँ पे दिखेगा। इसका देखिए डायरेक्शन UCS आइकन की अकॉर्डिंग ये सेट हो रहा है एक्स जेड के पोजिशन में। फिर यहाँ पे वाई जेड करेंगे तो इसका पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। अब जस्ट इसके नीचे देखिए फ्लोर्स ऑफसेट, अब इसका जो शेड है उसके बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो ये 5 mm कर देते हैं तो ये देखिए इसका गैप यहाँ पे बढ़ गया है
इसे थोड़ा दूर चला गया है, तो हम यहाँ पर 1 mm कर देते हैं, इसे थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखेगा। बाकी डिस्प्ले स्टेट एज इट इज रखना है। अब एडवांस में जाना है। अब एडवांस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑथोराइज फ्लोर। अब ये फ्लोर का थोड़ा जो इसकी ओपेसिटी है वो प्लस माइनस होगी, तो इसे अनचेक कर देते हैं। और इसकी विड्थ, इसकी जो बैकग्राउंड की जो साइज़ है वो बढ़ेगी, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको। अगर आपने इमेज सेट की होती तो उसमें आपको दिखता। जैसे इसका रेशियो चेंज कर देते हैं हम, इसकी विड्थ और डेप्थ, फिर इसका एंगल भी चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से ऑथोराइज फ्लोर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यह चेंज हो जाएगा। देखिए थोड़ा लाइटनेस आ जाती है इधर। अब एनवायरनमेंट रोटेशन, एनवायरनमेंट रोटेशन में आप जो इसका रियल व्यू दिख रहा है उसको, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जिस तरह से आपको ये रियल व्यू दिखाना है उस हिसाब से आप यहां से रोटेट कर सकते हैं। फिर यहां पे सीन, और भी कोई सीन आपके पास है तो वो ब्राउज करके यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर ओके कर देना है। अब यहां पे इसका शेडो भी आपको अगर अप्लाई करना है तो यहां पे शेडो ऑन कर देना है। अब फिर से यहाँ पे एडिट सीन में जाएंगे तो एडिट सीन में जाने के बाद यहाँ से आप इसका शेडो भी ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फ्लोर शेडो, यहाँ से शेडो निकल जाएगा और रिफ्लेक्शन भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी मॉडल है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के तौर पर आप किसी को भी दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।